हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ्टी क्विज के बारे में, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सेफ्टी क्विज है इसमें टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है वो है 20 और हर एक क्वेश्चंस के ऊपर जो मार्क्स दिए हैं यानी कि जो पॉइंट्स है वो है 5, यानी कि टोटल जो मार्क्स है यानी कि टोटल जो पॉइंट्स है यहाँ पर बनते हैं वो होते हैं 100 पॉइंट्स 100 मार्क्स, और इसमें पासिंग जो स्कोर है वो है 80%। तो दोस्तों, ये जो सारे 20 क्वेश्चंस हैं इनके जो आंसर है मैंने लास्ट में आपको दिए हैं, लेकिन आपको वो जो आंसर है वो डायरेक्टली नहीं देखने हैं। सबसे पहले आपको खुद होकर ट्राई करना है कि ये जो सारे 20 क्वेश्चंस हैं इनमें से आप खुद होकर कितने सवाल कर पाते हो। अब ये जो सेफ्टी क्विज के क्वेश्चंस है इसकी वजह से आपको दो फायदे हो सकते हैं। पहला ये फायदा हो सकता है कि ये क्वेश्चनरी से आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होगी, और दूसरा ये है कि अगर आपके साइट पर सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है तो वहाँ पर जो सेफ्टी क्विज कंपटीशन होती है तो उसमें इस क्वेश्चंस का आप जो है इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर, जब मैं मेरी पुरानी कंपनी शाहपुर जी कंपनी में काम कर रहा था तो वहाँ पर मैंने ये सारे क्वेश्चंस का सेफ्टी क्विज वहाँ पर लिया था। तो उसमें क्या किया था कि ग्रुप ऑफ जो एम्प्लॉय है उसमें टीम बनाई थी, टीम ए, टीम बी, टीम सी और टीम डी, और ये जो 20 क्वेश्चंस है उनकी चीट बनाई थी, और हर एक चीट के ऊपर 1 से 20 तक के ऐसे अलग अलग जो है नंबर लिखे थे। तो जो भी टीम के पास ये जब चीट लेके जाते थे तो उसमें से वो एक जो चीट है वो पिकअप कर लेते थे। तो उस चीट में जो भी नंबर आता था उस नंबर का जो क्वेश्चन है वो टीम को पूछा जाता था। तो अगर सही जवाब देते हैं तो उसका 5 पॉइंट्स हम लिखते थे, और गलत जवाब पर उसके 0 पॉइंट्स हो जाते थे। तो इस प्रकार जो है आप उनका ऐसा स्कोर लिख सकते हो, और लास्ट में आपको पता चली जाएगा कि कौन सी जो टीम है जिनके ज्यादा पॉइंट है वो यहाँ पर विनर हो जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि ये सेफ्टी क्विज के क्या क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हीकल में से जो एग्जॉस्टेड होती है, जो हजार्डस गैस है जो अपने हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करती है, तो वो गैस क्या है। तो ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ऑप्शन डी है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें से जो सही आंसर है उसके ऊपर आपको टिक करना है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए सभी में से ड्राइविंग डिस्ट्रैक्शंस है लेकिन इसको छोड़ के, तो उसमें ऑप्शन ए है ईटिंग और ड्रिंकिंग, ऑप्शन बी है पैसेंजर के साथ बात करना, ऑप्शन सी है कि आपके सामने वाले रोड को स्कैन करना, और ऑप्शन डी है कि रेडियो को एडजस्ट करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसके ऊपर आपको टिक करना है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि इमरजेंसी इवैक्यूएशन ड्रिल के दरमियान आपको क्या करना है। तो उसके लिए ऑप्शन ए है कि आपके कंप्यूटर को शट डाउन करना है और फिर बाद में आपको इवैक्यूएट होना है, ऑप्शन बी है कि आपके जो कलीग्स है उसको इन्फॉर्म करना है फिर उसके बाद इवैक्यूएट होना है, ऑप्शन सी है कि जैसे ही आपने सायरन को सुना तो इमीडिएटली आपको इवैक्यूएट होना है, और ऑप्शन डी है कि अनाउंसमेंट के लिए आपको वेट करना है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि ओशाज 18001:2007 जो 7 है वो किसके साथ डील करता है। तो उसके लिए ऑप्शन ए है ओवरऑल हेल्थ एंड सेफ्टी, ऑप्शन बी है ओवरसीज हेल्थ एंड सेफ्टी, ऑप्शन सी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, और ऑप्शन डी ऑप्टिमम हेल्थ एंड सेफ्टी। दोस्तों, आपको एक बात यहां पर ध्यान में रखनी है कि प्रेजेंटली हम ओशाज 14001 को फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि EMS का फुल फॉर्म क्या है। तो उसके लिए ऑप्शन ए दिया गया है इंजीनियरिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी है इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम, और ऑप्शन डी है इन्वायरमेंटल मेजरमेंट सिस्टम। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि अनप्रोटेक्टेड जो मैनहोल है वो किसका एग्जांपल है। तो उसके लिए ऑप्शन ए है इंसिडेंट का, ऑप्शन बी है नियर मिस का, ऑप्शन सी है अनसेफ कंडीशन का, और ऑप्शन डी है अनसेफ एक्ट का। तो इसका सही आंसर आपको यहां पर बताना है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि CPR का मतलब क्या होता है। तो उसके लिए ऑप्शन ए है सर्कुलेशन पंपिंग रेट, ऑप्शन बी है कार्डियो पल्पिटेशन रेट, ऑप्शन सी है कार्डियो पल्मिनरी रिससिटेशंस, और ऑप्शन डी है कार्डियो पल्मोनरी रेट। तो इसका जो सही आंसर है उसके ऊपर आपको टिक करना है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि कौन से टाइप की जो इलेक्ट्रिसिटी है जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छी होती है। तो उसके लिए ऑप्शन ए है न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन बी है थर्मल एनर्जी, ऑप्शन सी है विंड एनर्जी, और ऑप्शन डी है रिलायंस एनर्जी। तो इसका जो सही आंसर है उसको आपको टिक करना है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि फायर ट्रायंगल के क्या कंपोनेंट्स है। तो उसके लिए ऑप्शन ए है फायर हीट एंड वेपर, ऑप्शन बी है फायर हीट एंड स्मोक, ऑप्शन सी है हीट फ्यूल एंड ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी है फ्यूल ऑक्सीजन एंड स्मोक। तो इसमें से सही आंसर जो है उसको आपको टिक करना है।
फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि ड्राइवर जो है वो अपना जो अलर्टनेस है वो धीरे धीरे खो देता है, और फिर उसके बाद उसको थोड़ी झपकी आने लगती है और फिर बाद में वो सो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो उसके लिए ऑप्शन ए है ये हेडेक है, ऑप्शन बी है कि ये फटीग की वजह से होता है, ऑप्शन सी है इंटॉक्सिकेशन, और ऑप्शन डी है सफोकेशन। तो इसका जो सही आंसर है उसके ऊपर आपको टिक करना है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि वाटर जो है वो पीने के लिए रेडी होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसके लिए ऑप्शन ए है पोर्टेबल वाटर, ऑप्शन बी है पोर्टेबल वाटर, ऑप्शन सी है डिस्टिल वाटर, और ऑप्शन डी है डाइल्यूटेड वाटर। तो इसका जो सही आंसर है उसके ऊपर आपको टिक करना है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि शॉक की वजह से क्या होता है? तो उसके लिए ऑप्शन ए है कि आपके बॉडी का ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो कम हो जाता है, ऑप्शन बी है कि ऑक्सीजन सप्लाई जो है बॉडी का वो ज्यादा हो जाता है, ऑप्शन सी है कि ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता है, और ऑप्शन डी है कि इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है उसके ऊपर आपको टिक करना है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या इश्यूज है? तो उसके लिए ऑप्शन ए है ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन बी है ओजोन डिप्लेशन, ऑप्शन सी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है उसके ऊपर आपको टिक करना है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि पीयूसी का फुल फॉर्म क्या है वो भी एज पर मोटर व्हीकल एक्ट। तो उसके लिए ऑप्शन ए है पोल्यूशन अंडर क्रेडेंशियल, ऑप्शन बी है पोल्यूशन अंडर चेक, ऑप्शन सी है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, और ऑप्शन डी है पोल्यूशन अंडर क्रिटिकल। तो इसका जो सही आंसर है उसके ऊपर आपको टिक करना है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि माइक्रोवेव ओवन जो है वो क्या जनरेट करता है? तो उसके लिए ऑप्शन ए है अल्ट्रावायलेट वेव्स, ऑप्शन बी है इंफ्रारेड वेव्स, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ऑप्शन डी है अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो इसका जो सही आंसर है उसके ऊपर आपको टिक करना है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो ऑकर होता है जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, तो उसके लिए ऑप्शन ए है ग्राउंडेड नहीं होते हैं, ऑप्शन बी है ग्राइंडेड नहीं होते हैं, ऑप्शन सी है ग्राउटेड नहीं होते हैं, और ऑप्शन डी है ग्रैब नहीं होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है उसको आपको टिक करना है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? तो उसके लिए ऑप्शन ए है रिड्यूस रीयूज रिक्लेम, ऑप्शन बी है रिड्यूस रिज्यूम रिसाइकल, ऑप्शन सी है रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, और ऑप्शन डी है रिजेक्ट रीयूज रिसाइकल। तो इसका जो सही आंसर है उसके ऊपर आपको टिक करना है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि एयर कंडीशनर में ये नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है एयर फिल्टर, ऑप्शन बी है कंप्रेसर, ऑप्शन सी है ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, और ऑप्शन डी है कंडेंसर। तो इसका जो सही आंसर है उसके ऊपर आपको टिक करना है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि हॉस्पिटल में ये जो फैसिलिटी है इसका इस्तेमाल किया जाता है बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। तो उसके लिए ऑप्शन ए दिया है पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी, ऑप्शन बी है एक्सरे मशीन, ऑप्शन सी है इंसिनरेटर, और ऑप्शन डी है ब्लड बैंक। तो इसका जो सही आंसर है उसके ऊपर आपको टिक करना है। और फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि MSDS का फुल फॉर्म क्या है? तो उसके लिए ऑप्शन ए है मटेरियल सेफ्टी डिस्ट्रीब्यूशन शीट, ऑप्शन बी है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, ऑप्शन सी है मटेरियल सेफ्टी डायरेक्शन शीट, और ऑप्शन डी है मटेरियल सेफ्टी डिप्लॉयमेंट शीट। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो सारे सेफ्टी क्विज के 20 क्वेश्चंस है उनके जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार है, लेकिन आपको ये जो सारे आंसर्स है इसको आपको डायरेक्टली न देखकर सबसे पहले ये जो सारे क्वेश्चंस है उसके ऑप्शंस क्या है उसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको चूज करना है भले ही वो गलत क्यों ना हो, और फिर उसके बाद आपको देखना है कि ये जो 20 क्वेश्चंस है इनमें से आपके सही आंसर कितने हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा सेफ्टी क्विज के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।